दोस्तों, देसी और विदेशी टमाटर में क्या अंतर है, इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम जानेंगे दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू, किस बीमारी में आपको टमाटर खाना चाहिए और किस बीमारी में आपको टमाटर अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ हम टमाटर से जुड़े हुए कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर भी चर्चा करेंगे और टमाटर की केमिकल कंपोजिशन भी जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं टमाटर की देसी वीएस विदेशी कॉन्सेप्ट से। आखिर देसी और विदेशी टमाटर हैं क्या? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, हम सब जानते हैं कि देसी का मतलब देश से ओरिजिनेटेड और विदेशी का मतलब कहीं बाहर से आया होगा। पर दोस्तों, मैं इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि टमाटर की कोई भी वैरायटी देसी नहीं है। टमाटर को पहली बार भारत में 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लोगों के द्वारा लाया गया था। इसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत के लोगों ने टमाटर को उगाना शुरू कर दिया और उसके बाद तो टमाटर भारत का ही होके रह गया। उन्होंने भारत में टमाटर की खेती पर बहुत जोर दिया और टमाटर के प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ा दिया। इसलिए बंगाल में इसे आज वे बिल्टी बैगुन के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है विदेशी फल। और टमाटर के उत्पादन की अगर बारे में हम बात करें तो भारत का आज भी दुनिया भर में टमाटर को उगाने में नंबर 2 पे भारत आता है। तो टमाटर का ओरिजिन साउथ अमेरिका से हुआ है, वहीं से ये पूरी दुनिया में फैला है। तो टमाटर को देसी कहना ठीक नहीं है, टमाटर की कोई भी स्पीसीज देसी नहीं है। अब बात करते हैं कि हम देसी और विदेशी किसे बोलते हैं। जो टमाटर की वैरायटी वाइल्ड वैरायटी भारत में उगाई जा रही है, यानी कि जो परंपरागत स्पीसीज हैं, जो भारत में पहली बार लाई गई थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये थोड़ी हरी और नारंगी कलर की होती हैं, इन टमाटर की स्पीसीज को हम देसी बोलते हैं। इसके बाद जो ब्रीडिंग करके नया टमाटर तैयार किया गया, जो चटक लाल रंग का होता है, उस टमाटर को हम विदेशी टमाटर बोलते हैं। बात आती है टमाटर की स्पीसीज की, कौन सी टमाटर की स्पीसीज हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी है। उसके लिए हमें टमाटर की थोड़ी सी साइंस में जाना पड़ेगा। टमाटर सोलेनम जीनस का एक मेंबर है। इस जीनस में बहुत सारी टमाटर की स्पीसीज आती हैं, जिनमें से 3 पॉपुलर स्पीसीज पूरी दुनिया भर में सेल करी जाती हैं, जैसे ब्रैंडीवाइन, ग्रीन जेब्रा, ब्लैक क्रीम। ये 3 पॉपुलर टमाटर की स्पीसीज दुनिया भर में पाई जाती हैं। आज से लगभग 100 साल पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो टमाटर की केवल वाइल्ड वैरायटी ही मार्केट में उपलब्ध थी। इसके बाद बाकी फसल की तरह साइंटिस्ट ने टमाटर का उत्पादन और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसकी ब्रीडिंग, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन और कई सारी इसकी हाइब्रिडाइजेशन संकरण से नई स्पीसीज और वैरायटी तैयार करी, जिन्हें मार्केट में आज बेचा जा रहा है, जिनमें चटक लाल रंग की स्पीसीज जिसे हम विदेशी टमाटर बोलते हैं वो भी शामिल है। पर जो वाइल्ड वैरायटी हैं, जो जिन्हें हम देसी बोलते हैं, यानी कि जो हल्की हरी, गोलाकार और नारंगी कलर की होती हैं, तो इन्हें हम देसी टमाटर बोलते हैं। वास्तव में ये वाइल्ड वैरायटी होती हैं, पर मार्केट में वाइल्ड वैरायटी भी अवेलेबल है और विदेशी जिसे हम बोलते हैं वो इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी अवेलेबल है। अंतर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिन्हें हम देसी वैरायटी बोलते हैं यानी कि वाइल्ड वैरायटी, वो गोलाकार होती हैं, उनका रंग थोड़ा कम लाल होता है और उनमें अंदर जो रस की मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, गूदा थोड़ा कम होता है। तो इस प्रकार की जो टमाटर की स्पीसीज हैं उन्हें हम देसी टमाटर बोलते हैं, वास्तव में वो वाइल्ड वैरायटी हैं। इसके अलावा जो थोड़ी ओवल शेप होती है, लंबे आकार की जो स्पीसीज पाई जाती हैं, वो हाइब्रिड हैं और उन्हें तैयार किया गया है। इनका रंग भी बहुत ज़्यादा लाल और इनमें गूदे की मात्रा भी काफ़ी होती है। अब बात आती है कि स्वास्थ्य के लिए इनमें से कौन सी स्पीसीज ज़्यादा अच्छी है। ऑब्वियसली हम लोग नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो वाइल्ड वैरायटी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वो गोल स्पीसीज जो है वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड। अगर इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों स्पीसीज की लगभग सेम है, कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं है। अब बात कर लेते हैं टमाटर की न्यूट्रिशनल वैल्यू और मेडिसिनल यूजेस के बारे में। तो टमाटर में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, फाइबर है, मिनरल्स है और विटामिन ए, B1, B3, B6, विटामिन सी, विटामिन ई, के। और इसके अलावा इसमें जो सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन ए। इसके अलावा इसमें मिनरल्स मैग्नीशियम, मैग्नीज और पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब अच्छे खासे अमाउंट में पाए जाते हैं। फास्फोरस ज़्यादा होने के कारण, पोटेशियम ज़्यादा होने के कारण ये आपके हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा है। इसके अलावा टमाटर का यूज़ डायबिटीज़ में भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।